हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने समझा था एलसीएट साइट के बारे में, आज के सेशन में हम समझेंगे यूसान सेल्स के बारे में। सो गाइस, आपको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ कि एलसी का जो मेन मोटिव होता है वो है कि पेमेंट श्योरिटी फॉर द एक्सपोर्टर। ठीक है, कि एक्सपोर्टर को बैंक गारंटी देती है कि आपकी पेमेंट आ जाएगी आप जैसे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे यूसान सेल्स की बात अगर कर दें तो क्या होता है समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, और हमने एक एलसी खुलवाने के लिए अपने इंपोर्टर को बोला क्योंकि हमें पेमेंट की श्योरिटी नहीं है। सो इन दिस केस हमारा इंपोर्टर क्या करेगा, बैंक को एक रिक्वेस्ट देगा एप्लीकेशन की एक एलसी खोल दीजिए, पीआईपीओ के अगेंस्ट एलसी आ जाएगी, हम चेक करेंगे टर्म एंड कंडीशंस। अब टर्म एंड कंडीशंस अगर ओके हैं तो हम उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अप्रूव होने के बाद में सर होगा क्या कि शिपमेंट हमारी जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे यूसान एलसी का जो नाम लिखा है उसका मतलब होता है कि टाइम पीरियड, एक अवधि जिसमें पेमेंट आएगी। तो यहाँ पे हम एक एक्सेप्टेंस करते हैं अपने बायर को कि 30 डेज, 90 डेज, 120 डे या 180 डेज में यह पेमेंट आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें यूसान सेल्स जैसे हम नॉर्मल लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, यूसान सेल्स नहीं है तो हम क्या करता है, हमारी जो पेमेंट टर्म्स होगी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए और एक्सेप्टेंस आपका 90 डेज, 30 डेज या 120 डेज आफ्टर डिस्पैच गुड्स आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो इन द सेम वे यूसान सेल्स वर्क करती है कि आपका जो एक्सेप्टेंस हो गया है आपके बायर से कि आप 120 डेज या 90 डेज या 30 डेज में पेमेंट करोगे आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड मिल जाता है। ठीक है, ये बायर की तरफ से सेफ है क्योंकि बायर अगर हम 120 डेज का यूसान सेल्स ओपन करवाते हैं तो 120 डेज में हमें पेमेंट आएगी। तो यहाँ पे बायर को गुड्स मिल जाएगा बिफोर 120 डेज, जो भी टाइम पीरियड होगा शिपमेंट का वो गुड्स मिल जाएंगे और उसकी पेमेंट गुड्स को चेक एंड वेरीफाई करने के बाद वो आराम से करता है। तो यहाँ ये है कि यूसान सेल्स से एक टाइम पीरियड मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो और इतने दिन में पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा, सेम जैसे ही आपके बायर ने एलसी खुलवाई आपको उस एलसी को अप्रूव करना है और एलसी जब अप्रूव हो जाती है ठीक है, आपका जो आपको यहाँ से गुड्स डिस्पैच करने हैं एज पर टर्म एंड कंडीशन। ओके, जब गुड्स डिस्पैच हो जाएंगे, शिपमेंट सेल हो जाएगी, बिल ऑफ लेडिंग और अदर डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लोगे तो जो एलसी में डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बैंक में, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करते हो, ठीक है, बैंक में जो आपका एक्सेप्टेंस है, फॉर एग्जांपल आपका 90 डेज का एक्सेप्टेंस हुआ या 90 डेज की यूसान सेल्स आपने ओपन करवाई, तो यहाँ पे 90 डेज के विद इन 90 डेज आफ्टर डिस्पैच द गुड्स आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉर्मल अगर हम एलसी यूज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या, ये पेमेंट टर्म्स क्या होती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ओके, बट यही शिपमेंट हम एलसी के थ्रू कर रहे हैं इसलिए इसको यूसान एलसी का नाम दिया गया है कि आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड पे आपको पेमेंट आएगी एज एक्सपोर्टर। सो गाइज, आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की यूसान एलसी होती क्या है, ठीक है, ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को सबमिट करोगे उस टाइम तो पेमेंट नहीं आएगी, बट जो एक्सेप्टेंस यूसान सेल्सी में आपने बताई गई है कि 90 डेज, 120 डेज, तो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के बाद में वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।